आज हम बता रहे हैं सिंपल कमीज़ की कटिंग। तो ये देखें, सब इसमें जुड़ा हुआ है, फ्रंट बैक और आस्तीन है, जिसको मैं सबसे पहले अलग करूँगी। ये आस्तीनों का पार्ट है, इसको यहाँ से निकालेंगे, अलग करेंगे। इसी तरह ये फ्रंट और बैक है, तो इसको भी मैं अलग कर लूँगी। अब ये बैग वाला पार्ट है, इसको मैं इस तरह डबल करूंगी। अब ये बैग का हमने सीधा कर लिया है। अब ये फ्रंट वाला है, इसको भी सीधा करके रखेंगे हम इसके ऊपर। तो ये देखें, इसके अंदर गला प्रिंट हुआ है, तो इसको बिल्कुल हम बराबर से बिल्कुल सेंटर करेंगे। और ये जो गला है, इसको इस तरह से दोनों को मिलाएंगे। हाँ, ये इसको इसके ऊपर रख दूंगी मैं। तो सबसे पहले देखिए लंबाई लूंगी, और लंबाई रखनी है तो देखिए लंबाई रखूंगी 40 इंच। यहाँ भी 40 इंच पे निशान लगा लूंगी मैं, और यहाँ इस तरह सीधी लाइन डाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने शोल्डर रखा है 7 इंच, तो ये सिलने के बाद हमारा 13 इंच आ जाएगा, यानी डबल में ये 14 इंच है, और सिलने के बाद हमारा फिर ये 13 इंच हो जाएगा। तो अब इसकी लंबाई भी हमें यहाँ से 7 इंच ही रखनी है। 7 इंच पे यहाँ से हम निशान लगाएंगे इस तरह। चेस्ट की चौड़ाई रखनी है हमें 18 इंच। अब 2 इंच हम इसका इसमें सिलाई का मार्जिन देंगे, तो ये देखें हो जाएगा 11 इंच। तो 11 इंच पे यहाँ निशान लगाऊंगी और इसको इस तरह बॉक्स बना दूंगी। अब इसको शेप देने के लिए 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी इस तरह मैं, और इसको गुलाई कर दूंगी। अब यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर आएगी 7 इंच पे। ये कमर की लेंथ है 7 इंच। अब यहाँ से चौड़ाई के लिए हम रखेंगे सिर्फ 1 इंच कम कर देंगे, यानी 10 इंच। जो हमने चेस्ट की चौड़ाई रखी थी 11 इंच, उससे 1 इंच हम यहाँ कमर पे कम कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10 इंच। तो 10 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे, और इस निशान को इससे मिला दूंगी मैं। अब ये देखिए हिप्स की जो लंबाई आएगी वो आएगी 19 इंच पे, तो 19 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे हम। और इसके बाद फिर यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे, तो चौड़ाई में यहाँ से रखूँगी मैं 13 इंच। अब यहाँ से दामन की चौड़ाई लूँगी, तो दामन की चौड़ाई रखनी है मुझे 13 इंच। तो ये जो मैं आपको मेजर करके बता रही हूँ, ये मुझे ए लाइन रखना है, और ये जो साइज़ है ये स्मॉल साइज़ है। तो यहाँ से अब हम इसको इस तरह निशान लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से चौक जो रखने हैं वो रखने हैं 14 इंच पे। ये शोल्डर जो ये हमने मोंडा रखा है, मोंडे से हम ये इस निशान को लगाएंगे। तो यहाँ देखें ये हिप्स का निशान आ जाएगा, और यहीं पे हमारे चौक बनेंगे। तो अब यहाँ से देखें 1/2 इंच कम करना है हमें यहाँ से, और ये और कटिंग देनी है क्रॉस वाली। अब नेक का निशान लगाएंगे हम, तो नेक रखेंगे हम 3 इंच पे, तो यहाँ 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इसके अंदर फ्रंट और बैक दोनों को अलग अलग फिर हम कटिंग करेंगे नेक की। अब मैं इसको कटिंग करती हूँ, तो देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे शोल्डर से, तो ये शोल्डर की कटिंग होगी। तो देखिए मैं कटिंग के साथ साथ आपको इसमें सिलाई का निशान भी लगा बता रही हूँ किस तरह लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने जब शोल्डर काट लिया, तो अब यहाँ पे चेस्ट आएगा, तो चेस्ट का निशान लगाएंगे हम 18 इंच पे, यानी डबल में निशान लगा रही हूँ मैं, तो ये है 9 इंच। इसमें यहाँ पे इस तरह कट लगा लें, इस तरह हमें बार बार नापने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और एक ही दफ़ा में हमारा काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कमर पे भी निशान लगा लेंगे हम, तो कमर की लेंथ का साइज़ भी आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह यहाँ से चाकू पे भी निशान लगा लेंगे, ये 13 से 14 आपकी ये चॉइस पे भी होता है कितना लंबा पहनना है।
तो यहाँ पे हम 13 इंच पे लगा रहे हैं निशान। यहाँ से लंबाई को अलग कर लेंगे, यहाँ से इसको निकालेंगे जो हमें ऑरे वाली कटिंग देनी होती है हल्की सी। यहाँ पे यहाँ से नेक का निशान लगा लेंगे। अब ये देखें, ये फ्रंट वाला साइड है, इसकी हम 1 इंच की यहाँ से कटिंग गहराई करते हैं। जो हमारा फ्रंट वाला है उसकी हमने यहाँ से गहराई कर दी है, और इस पे भी फिर यहाँ पे इस तरह पकड़ते हुए निशान लगा देंगे। अब ये फ्रंट वाला जो है इसकी कटिंग करनी है हमें, तो ये अक्सर हमारे पास जो प्रिंटेड कपड़े आते हैं उसके अंदर गला कभी टेढ़ा होता है, तो आप इसको हमेशा खोल के फिर कटिंग किया करें। तो इसको मैं खोल के कटिंग करूँगी, और ये बैक वाला जो है इसकी यहाँ से कटिंग कर देती हूँ। तो ये नेक के निशान मैंने फ्रंट और बैक के एक साथ ही लगा लिए थे। अब मुझे इसकी लंबाई देखनी है, तो लंबाई रखूँगी मैं 4 इंच, और इसको इस तरह यहाँ से शेप दे देंगे गुलाई वाला। गुलाई वाला शेप देने के लिए मैं बिल्कुल आसान तरीका भी बता सकती हूँ आपको, कि आप यहाँ निशान लगाएं और इस तरह निशान लगाएं, एक बॉक्स बना लें। बॉक्स बनाने के बाद फिर यहाँ से आप इसको इस तरह लेते हुए बिल्कुल यूँ गुलाई करके इससे मिला देंगे, तो ये बिल्कुल अच्छा सा गोल बन जाएगा। तो ये हमारे बैग की कटिंग तैयार है। अब ये फ्रंट वाला गला जो है इसको मैं खोल के काटूंगी। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल बराबर आया, और यहाँ से थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क आ गया। तो इसी तरह फिर ये फ़र्क आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर इसको खोल के काटेंगे। बिल्कुल हल्का हल्का सिलाई का मार्जिन देंगे, और ये कटिंग जो है, ये गले का जो साइज़ है, यहाँ से इसको देखेंगे हम इसकी लेंथ। तो ये लेंथ यहाँ से कटिंग करूँगी, तो मैं ये इतना छोड़ूंगी, तो ये 5 इंच तैयार सही आएगी। तो ये देखिए मैंने फ्रंट का भी काट दिया है, तो ये हमारी कमीज़ की कटिंग जो है तैयार है। तो ये देखें बैक है, और ये इसका फ्रंट है। तो ये देखें हमारी सिंपल कमीज़ की कटिंग तैयार है।